बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बादलों के ऊपर हम जो है ना तकरीबन चढ़े हुए हैं, रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। अंधेरा हो गया है, टाइम जो है ना तकरीबन 3 का टाइम है, लेकिन काफी जो है ना अंधेरा हो गया, बादलों ने काफी घेरा डाल लिया है जी। खाना वाना खा के अभी हम निकले हैं, ये वाले पॉइंट पे रुके हैं, एक काफी खूबसूरत पॉइंट है। तो गाड़ियां थोड़ी जो है, गाड़ियों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाती है। पार्किंग वार्किंग थी इधर थोड़ी सी। ये देखिए इधर से कैसा मंजर लग रहा है, बादल जो है ना जा रहे हैं दरख्तों के अंदर से, तो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। थोड़ा सा इधर रिलैक्स होते हैं, पानी वानी पीते हैं, तो गाड़ियों को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। गाड़ियों भी एक ही हिसाब से घोड़े होते हैं, घोड़ों को रेस्ट जैसे देते हैं ना, वैसे गाड़ियों को भी रेस्ट देनी चाहिए। तो फिर चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं आगे के मंजर। हाँ बना जी, अभी हम इस पॉइंट पे एक और पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ये गाड़ी से खड़े हो गए हैं, और ये बादल जो है ना इधर से जा रहे थे, कैमरे में पता नहीं नज़र आए कि नहीं आए, ये आपको दिखाता हूँ। गहरी खाई है ये देखें, ऐसे ये आइलैंड जो है ना खालिद भाई उधर भी नज़र आ रहा था, ये थोड़ा सा नज़दीक से नीचे जी। जी आज हम खा रहे हैं जी दही बड़े, भाभी बना के लेके आई है खालिद भाई की वाइफ, टेस्ट करके चेक करते हैं। मुझे जो है ना दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हरी मिर्ची है, ये बड़ा है बेसन का, जंगल में जो है ना ऐसी चीज़ें मिल जाए तो क्या ही बात है। मुंह में पानी आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, बड़ा जायका यार, मजा आ गया खालिद भाई, क्या बात है। ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं यार। हाय हाय हाय, एक और डाल के चेक करते हैं, एक और। रमजान करीब है, हर दिन मिलेगा ये इंशाल्लाह। वाह वाह वाह, मजा आ गया खालिद भाई। रमजान में खालिद भाई मैं हर रोज जो है दही बड़े जरूर बनवाता हूँ, खाता हूँ इफ्तारी में। खूबसूरत डिश है भाई। जी अभी एक और पॉइंट पे रुके हैं, हम टैंक की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ते में इसका व्यू है। अरे भाई मौसम देखें कैसा है, बादल देखें ऊपर जा रहे पेड़ों पे जी। ओ हो हो, देखें कितनी गहरी खाई है खालिद भाई। वो बादल जा रहे हैं सारे, अभी सिटी का जो है ना व्यू सारा बादलों ने घेर लिया है, एक छोटा सा हॉल ये देखें बस बचा है, बाकी ये सारे बादल है। हरियाली देखें, वो दरख्त देखें सब, खूबसूरत व्यू लग रहा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखिए महसूस हो रहे हैं बादल चलते हुए, साथ साथ दरख्त है, नीचे पहाड़ देखें, और वो नीचे देखें कुछ लोग भी लोग, हाँ जी हाइकिंग कर रहे हैं उस तरफ से, उधर से उतर रहे हैं। खूबसूरती देखने के लिए इंसान हर जगह से जा रहा है, बारिशों ने जो ना काफी तंग किया रखा हमें। खालिद भाई बादल जो है ना आपके नीचे जा रहे हैं, ये देखें नजर आ रहे हैं जी तरफ उधर। हाँ जी, कैसा लगा आपको ये? इतनी नजदीक से, बहुत शुक्र अल्लाह पाक का। ये देखें ये टच फील हो रहा है, टच हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, जैसे धुआं नहीं होता जी, ऐसा लग रहा है बादल जी। असल में ये होता है ऐसा, इनका मनाजर ऐसा ही होता है। ये सारे जो है बादल, ये क्या, वाह वाह वाह, अभी गहरा हो गया, अभी नीचे नजर भी नहीं आएगा, उसको खांसी लगी, बादल का धुआं जाना उसके अंदर गया है। जी खालिद भाई आज जो है ना चाय को बड़ा मिस किया हमने। अच्छा। चाय का अब मैं सिलेंडर वगैरह तो गाड़ी में ही था, लेकिन जो है ना वो चाय वाला जो है ना सिस्टम नहीं लेके आए, इस वजह से जो है ना काफी मिस हो गया। फिर आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं आगे के मनाजिर।
जी ये रोड जो है ना आ रहा है, और ये अभी हम बादलों में गिर गए हैं। अभी हम जिस के लिए इधर खड़े हुए थे वो तो नज़र नहीं आ रहा इधर, क्योंकि ये सारा जो है ना बादलों में गिर गया है। गाड़ी आ रही है, अरे भाई अभी हमारी आंखें तो कुछ नहीं देख पाएंगी, अभी तो इधर आ गए हैं बादल, बादल से सबको छुपा दिया सब चीजें ढक गई भाई, ना कोई मकान अभी नजर आ रहा है, ना कोई दरख्त नजर आ रहा है बादल के सामने। और ये धुआं जो है बादलों का, ये कैमरे में क्यों नहीं आ रहा हारिस भाई? कैमरे में छाया हुआ है बादल बिल्कुल चारों तरफ। जी ये देखे, अभी थोड़े से कम हुए बादल निकल गए आगे ना, कम हो गए तो सब चीजें ना वाजे हो गई, सब हर चीज नजर आ रही है। जी हरीश भाई ऐसे ही एक बार मैं ऊपर चढ़ा उस तरफ दूसरी साइड पे माउंटेन के ऊपर, अच्छा तो जब मैं ऊपर गया ना तो बादल का एक टुकड़ा जो है ना बिल्कुल बहुत बड़ा बलून सा था, उसको मैंने अपने हाथ से ऐसे झाग की तरह था। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ज्यादा ठंड से जिसको लग जाती है ना बादल को, थोड़ा सा वजनी हो जाता है, फिर ऐसी हाइट पे वो गिर जाता है थोड़ा सा। वाह वाह वाह, टाइम निकाल के आप गए तो आपने देखी कुदरत। जी जी नेमत सब जी, बहुत डेंजरस रोड है आगे, ये मतलब एक ही गाड़ी आ सकती है, और एक अगर आगे से आ जाए तो उसको जो है ना रास्ता देना पड़ता है खड़े खड़ी करके गाड़ी। ये देखिए आगे, ये नीचे सारी खाई है इस तरफ, और ये सारा जो है ना बादल बने हुए हैं, बहुत ज्यादा काले, बहुत अंधेरा है। ये सारे जो है ना आगे सिटी है, लपता सिटी, केले सॉरी अलसन चेक वगैरह, ये सारे और रोड देखें ये आप, दोनों तरफ ग्रीनरी है रोड के, और छोटा सा रोड है।